नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव बंदा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने फोन को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं बिना यूएसबी के, बिना ब्लूटूथ के, और डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जब आप यूएसबी लगाते हैं अपने फोन और लैपटॉप में, तो जिस तरीके का आपको व्यू दिखता है बिल्कुल उसी तरीके का दिखेगा और आप जो भी चाहे वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपने फोन से लैपटॉप में। तो दोस्तों, बिना यूएसबी के, बिना ब्लूटूथ के आप कैसे फोन को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग ये ट्रिक नहीं जानते होंगे और ये ट्रिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा लाते रहूं, तो उसके लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल बटन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब चलते हैं, बिना समय गवाए हुए देखते हैं कि कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं। फोन का डेटा लैपटॉप में ट्रांसफर करने के लिए आपको एक ऐप में जाना है जो कि ऑलरेडी फोन में इंस्टॉल होता है। मेरे पास अभी MI Note 7 Pro फोन है, तो इसमें ये मुझे इंस्टॉल्ड ही मिला था। फाइल मैनेजर को हम ओपन कर लेते हैं। आपके पास कोई और मैनेजर हो सकता है तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे FTP पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपको ये पूछेगा पोर्टेबल करना है या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो दोनों में क्या अंतर है कि अगर आप पोर्टेबल करते हैं तो ये सिक्योर नहीं होता है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है बिना पासवर्ड के, बिना यूजर नेम और पासवर्ड के। जबकि आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हैं तो आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा, जो कि आप लैपटॉप में जब ओपन करेंगे तो आपको वो यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो मैं अभी के लिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड करता हूँ। उसके बाद फिर मैंने यूजर ये दे दिया है आदि 1234 और मैं पासवर्ड भी कुछ दे देता हूँ। ठीक है, मैंने पासवर्ड दे दिया है। अब मैं ओके पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पूछता है कि आप कौन सा ड्राइव शेयर करना चाहते हैं, इंटरनल स्टोरेज या फिर SD कार्ड। तो मैं अभी के लिए अगर मैं इंटरनल स्टोरेज शेयर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे एक URL मिल जाता है। अब ये URL मुझे अपने लैपटॉप में एक्सेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्ट नंबर है 192.168.0.103 के बाद वाला जो होता है ये डायनेमिक होता है, मतलब 53176 ये पोर्ट नंबर होता है जो कि डायनेमिक होता है। अगर मैं इसको स्टॉप करके अगर मैं फिर से स्टार्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि ये पोर्ट नंबर मुझे डिफरेंट आएगा। आप देख सकते हैं कि हर बार पोर्ट नंबर डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, अब फोन की सेटिंग हो गई है। अब चलिए देखते हैं हम लैपटॉप में कैसे एक्सेस करते हैं इंटरनल मेमोरी को। तो यहाँ पे आपको माई कंप्यूटर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे URL वाले पार्ट में आपको टाइप करना है वही URL जो आपको अभी मिला था। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है FTP। अब देख सकते हैं कि मेरा URL है 192.168.0.103। उसके बाद ये आपको पोर्ट नंबर डालना है, ये 25589 है। जैसे ही आप पोर्ट नंबर डाल करके एंटर करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपको ये यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए पूछेगा। आप देख सकते हैं, तो यहां पे आपको वही यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है जो कि आपने फोन में सेटिंग करते वक्त डाला था। तो मैंने ये डाला था, मैं वो डाल देता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने ये पासवर्ड नहीं डाला होता तो फिर ये डायरेक्टली ही एक्सेस हो जाता और वो कोई भी एक्सेस कर सकता था। मैंने डाल दिया है, उसके बाद फिर मैं ओके करूंगा। अब देख सकते हैं कि ये ओपन हो गया है। अब देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इंटरनल मेमोरी जो है ये ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं आपको कोई इमेज ट्रांसफर करके भी दिखाता हूं। यहाँ पे करके मैं ये डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए कि कितना फास्ट में ये ट्रांसफर भी हो चुका है। दोस्तों, इस तरीके से आप बिना यूएसबी, बिना ब्लूटूथ के आप इजीली अपने सारे मेमोरी के कंटेंट्स को देख सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद अगर आप इसको स्टॉप कर देंगे तो फिर वो शेयर करना बंद कर देगा। तो दोस्तों, ये ट्रिक आप भी अपने फोन में जरूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, था ना ये इंटरेस्टिंग ट्रिक।
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल बटन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय।